हेलो एवरीवन, आई एम नवीन। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैपन, इसका प्रयोग सीखते हैं। किस तरह से अलग अलग तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हैं। हैपन का अर्थ होता है होना, कुछ भी घटित होना। अगर आपको किसी से कहना है कि लड़ाई हो रही है तो फाइट इज़ हैपनिंग। आपको किसी से कहना है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, ये कहना क्या हो गया, व्हाट इज़ हैपन्ड। इस तरह से हम हैपन का प्रयोग करते हैं, लेकिन और भी इसका अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कहना है कि तुम्हें क्या हो गया है, तो व्हाट हैज हैपन्ड टू यू, व्हाट हैज हैपन्ड टू यू। हमें किसी से कहना है कि तुम्हें क्या होता जा रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग टू यू या व्हाट हैज बीन हैपनिंग टू यू, इस तरह से हम कहते हैं। जैसे हमें कहना है कि पता नहीं लाइट को क्या हो गया है, तो व्हाट हैज हैपन्ड टू द इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। और जैसे आपको किसी वस्तु के लिए कहते हैं, पता नहीं मेरी बाइक को क्या हो गया है, तो व्हाट इज हैपन टू माय बाइक, आई डोंट नो, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। इसी के साथ में जब हम अपने लिए कहते हैं कभी कभी कि ये मेरे ही साथ क्यों होता है, तो व्हाई डज इट हैपन ओनली टू मी, इस तरह से हम कहते हैं। कभी कभी अपने आप को कोसते हैं, कर्ज करते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, तो व्हाई डज इट हैपन ओनली टू मी, इस तरह से हम जो है बोल सकते हैं। हैपन घटित होना, हमें कहना है कि पता नहीं दीपक को क्या हो गया है, व्हाट इज हैपन टू दीपक, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और किसी से क्वेश्चन करना है कि तुम्हारे परिवार को क्या हो गया, व्हाट इज हैपन टू योर फैमिली, कहना है कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, व्हाट इज हैपन टू द पीपल, व्हाट इज हैपन टू पब्लिक, इस तरह से बोल सकते हैं हम किसी व्यक्ति के बारे में। और इसमें प्रपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं, न कि विद का, टू का प्रयोग करते हैं इसमें। हमें कहना है कि पता नहीं दुनिया को क्या हो गया, व्हाट इज हैपन टू द वर्ल्ड, इस तरह से हम बोल सकते हैं टू का प्रयोग करते हुए। एक डायलॉग था, कालिया तेरा क्या होगा, एक डायलॉग था उसका शोले मूवी में, गब्बर ने बोला था कालिया तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, इस तरह से था। तो इसको हम बोल सकते हैं व्हाट विल हैपन टू यू कालिया, व्हाट विल हैपन टू यू कालिया नाउ, अब तेरा क्या होगा कालिया नाउ, व्हाट विल हैपन टू यू कालिया। तो इस तरह से हम हैपन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फनी है, और इंग्लिश में इसका बहुत ही प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही लॉन्ग सेंटेंस जो डिफिकल्ट लगते हैं, उन्हें आसानी से इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं कि ये कैसे बनेगा, तो मैं क्या हो गया, कैसे होगा, तो व्हाट इज हैपन टू यू, टू का प्रयोग करो इसमें, प्रपोजिशन में टू का प्रयोग हम करते हैं। और भी हैपन के बहुत सारे प्रयोग हैं, घटित होना, कोई भी अचानक से कुछ भी हो जाना, वहाँ भी हम हैपन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको कहना है मुझे अचानक से जाना पड़ा, तो आई हैपन टू गो। मैं कहूँ मुझे अचानक से बताना पड़ा, तो आई हैपन्ड टू टेल, अर्थात बताना नहीं चाहते थे, वो वैसे ही मुँह से निकल गया, बताना नहीं चाहते थे, और यूं ही कुछ काम हो गया, कुछ करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया वो, तो हैपन्ड टू वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं अचानक से ही मुड़ गया, तो आई हैपन्ड टू टर्न, इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैं अचानक से ही बोल गया, तो आई हैपन्ड टू स्पीक, तो हैपन टू का प्रयोग करते हैं, कोई भी काम अचानक से हो जाना। तो ये हमने इसमें सीखे, इसे दोबारा से सुने वीडियो को और अच्छी तरह से समझें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी लोग हमसे जुड़ पाएं और सीख पाएं। थैंक यू सो मच।